सो एच सी वर्मा का पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 12, ये जो रिंग सर्कुलर मेटल रिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। अ मेटल रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज सेट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन सच अ वे दैट ईच पार्ट ऑफ द रिंग मूव्स विद अ स्पीड वी। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द रिंग। सो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग देखे होंगे वो टीवी में कुछ एडवर्ट दिखाता है 5-स्टार होटल वगैरह का, वो लोग रोटी बनाते हैं ऐसे उछालते हैं गोल सा, ठीक है, उछालते हैं हवा में, उछल के बड़ा हो जाता है रोटी थोड़ा, तो क्या होता है कि उसके एंड जो है, अरे आओ यार कितने साल बार हो गया तुम लोग को अभी भी रुके हुए, ठीक है। सो रोटी में स्ट्रेच होता है बाहर की ओर, टेंशन लगता है कुछ, ठीक है, खिंचाव होता है, तो वैसे टाइप की कुछ बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कहा गया है कि मान लो कोई रस्सी होती, ठीक है, लूज सी रस्सी होती, ठीक है, पूरा क्लोज रस्सी है, एक दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों छोर, आप उसको पकड़ के अगर घुमाएंगे तेज़ी से तो वो एक सर्कुलर फॉर्म ले लेगा, आपको पता है, और ये घूमने लगेगा, ठीक है। अब इसका हर पॉइंट जो है ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि इसकी स्पीड इधर होगी, उतनी स्पीड इसकी इधर होगी, उतनी स्पीड इसकी इधर होगी, एंड सो ऑन, ये सर ये आपको कॉमन सेंस से पता है। आपसे पूछा गया है कि अगर हर पॉइंट की स्पीड जो है गिवन है वी, हाँ स्पीड गिवन है हर पॉइंट की वी, और रेडियस आर, टोटल रस्सी का जो मास है वो एम, ठीक है, रस्सी का थिकनेस आपको ज़ीरो मानना है, थिकनेस ज़्यादा होगा तो फर्क पड़ जाएगा, ज़ीरो मानना है, टेंडिंग टू ज़ीरो, और आपको पूछा गया है कि किसी भी पॉइंट पे, अब अलग अलग पॉइंट पे खिंचा रहा है रस्सी, तो टेंशन क्या होगा, यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सॉल्व कर देते हैं, आप लोग इंट्यूटिवली जानते हो, पहली बार में कोई सॉल्व कर सकता है ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब हमने पढ़ा है कि एक सेंटर है और उसमें कोई खंभा गड़ा होगा, उससे रस्सी से एक भैंस बंधी हुई है, ठीक है, भैंस का पूंछ सींग, ठीक है, चूहा लग रहा है, भैंस कम लग रहा है, ठीक है। तो ये भैंस बंधी हुई है, भाग रही है, और हमको पता है कि अगर ये v स्पीड से भाग रही है, इसका मास m है, ये रेडियस r है, तो इसमें जो फोर्स होगा, इसको जो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, और ये फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ड्यू टू रस्सी का टेंशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमको पता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स ज़रूरी होता है, यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, क्या हुआ, अच्छा कमी हो गई क्या जगह की, नहीं वो ठीक है, जगह की कमी तो नहीं है ना, ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, हाँ। सो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, वहाँ पे तो समझ में आ रहा था भैंस रस्सी से बंधी हुई थी, यहाँ पे कौन कहाँ बंधा हुआ है, जैसे कोई भी हिस्सा ले लेते हैं, अब आप कहोगे इस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं रस्सी के, ये मॉलिक्यूल को सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, या फिर अगर मान लीजिए रस्सी हमने काट दी होती तो भैंस कहाँ जाती, सीधे आगे निकल जाती, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल इस समय इसकी स्पीड ऐसी है, अगले इंस्टेंट पे ये यहाँ पे होगा, इसकी स्पीड ऐसी होगी, ये सीधा नहीं निकल जा रहा, क्यों नहीं निकल जा रहा, कौन इसको पकड़ के रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बोलेंगे उस फोर्स को, जैसे वहाँ पे रस्सी का फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो जो उसको घूमने बाहर टेंजेंट पे जाने से रोक रहा है, हाँ हाँ उसको घुमा रहे हैं, वो घूम रहा है, ठीक है, कुछ नहीं तो ज़्यादा तो निकल तो जा रहा है, मतलब जो जिस पार्ट को भागना चाहिए वो आगे भाग जा रहा है, बट पीछे वाले पार्ट पे एक फोर्स लग रहा है, उंगली कारण रोक ले रहा है, उंगली भी मत इमेजिन करो, चलो सबसे बढ़िया सिंप्लीफाई करना है, स्पेस में ले जाओ उसको, स्पेस में आपने घुमा के छोड़ दिया इस रस्सी को, ठीक है, और अच्छी खासी स्पीड से घुमा के छोड़ दिया, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड से घुमा के छोड़ा है तो अच्छा खासा खिंच जाएगा, ऐसा फील होता है कि नहीं, ठीक है, मतलब कुछ हैवी ऑब्जेक्ट मान लो, हैवी ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कुछ हैवी बीट्स बंधे हुए हैं ऐसा भी मान लो, तब फील होता है, ठीक है, कुछ ऐसे हैवी बीट्स अगर बंधे हुए हैं तो जितना तेज़ी से घुमाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, तो सिमेट्री, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स तो ज़ीरो है,
क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे ही है। जब उसका सेंटर की बात करते हैं तो वो जगह पे है। चलो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा अभी, मतलब डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ओके, सो कौन सा फोर्स है जो खींच सेंटर की ओर उसको मेंटेन रख रहा है, इस सर्कल में मेंटेन रख रहा है? तो इसके आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब इधर भागना चाहता है तो ये मॉलिक्यूल बोलता है रुको कहाँ जा रहे हो, ठीक है? वैसे ये मॉलिक्यूल बोलता है रुको कहाँ जा रहे हो, मत जाओ उधर, ठीक है? सो ये आजू बाजू मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। अटैच्ड है मतलब एक दूसरे को खींच कर रखे हैं, तो एक तरीके का टेंशन है, ठीक है? किस डायरेक्शन में टेंशन है? तो पहले चलो इसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है? एक सिंगल इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, ये इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं रहा पर हम बना देते हैं इसको, ठीक है? तो डी थीटा विड्थ का एक एंगल लेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो बहुत छोटा एलिमेंट होगा, उसका लेंथ आपको पता है आर डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है? अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन होता लैम्डा, तो आप कहते इसका जो मास है, इस यूनिट का मास, इसको एक एज अ ब्लॉक टाइप का मान लो, ठीक है? इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू दिस का लेंथ, यानी कि आर डी थीटा, ठीक है? इतना आपको पता है। अब आप कहोगे कि अगर ये ब्लॉक जो है ये स्पीड v से रेडियस r में घूम रहा है, तो ज़रूर क्या ट्रू होगा कि इस पे जो भी नेट फोर्सेस हैं वो बराबर होंगे इस dm v स्क्वायर बाय r के बराबर, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट पकड़ लिया, एक सिंगल ब्लॉक, सिंगल पार्टिकल जो कि आर्क टाइप के शेप में नहीं था, इतना छोटा कर दिया डी थीटा करके, ठीक? और उसका मास इतना होगा, ठीक है? उस पर अगर जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़रूर इतना लग रहा होगा नेट फोर्स। अब वो फोर्स इन टेंशन के टर्म्स में कितना होगा, ऐसा देखने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है? किस डायरेक्शन में मतलब, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल होगा, चलो इसको थोड़ा क्लियर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंशन इस डायरेक्शन में, एक टेंशन इस डायरेक्शन में, लगभग लगभग सेम लाइन पे होंगे पर थोड़े एंगल पे होंगे, हल्के फुल्के एंगल पे। कितने एंगल पे होंगे? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब इसके टेंजेंट टाइप का बनाते हैं। अगर ये एंगल डी थीटा, तो ये एंगल डी थीटा बाई टू, ये एंगल डी थीटा बाई टू, तो ये एंगल डी थीटा बाई टू, ठीक है? सिमिलरली ये एंगल भी डी थीटा बाई टू के बराबर होगा। तो आप टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, ये कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो रहे दिख रहा है, और ये जो सेंटर की ओर कंपोनेंट्स है जो कि कितना होगा, सेंटर की ओर टोटल कंपोनेंट, तो टी कॉस टी साइन, तो टी साइन डी थीटा बाई टू इसके कारण प्लस उसके कारण, तो डबल ये टोटल फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा होगा, और कोई फोर्स है ही नहीं इसमें, और यही फोर्स बराबर होना चाहिए इस चीज़ के। सारा कुछ पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। साइन स्मॉल एंगल के लिए सेम एज दैट एंगल होता है, ठीक है? तो एसेंशियली आपके पास आ जाएगा टी डी थीटा इक्वल्स टू लेमडा आर डी थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी कैंसिल हो रहा है आर डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा वी स्क्वायर के बराबर टेंशन बचेगा। वाह क्या मस्त रिजल्ट आ रहा है, टेंशन सिंपली लैम्डा वी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इस क्वेश्चन में लैम्डा आपको गिवन नहीं है, डायरेक्टली नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली बता सकते हैं लैम्डा कितना होगा, एम बाई टू पाई आर सिंपली। हम्म,
उसमें सरफेस टेंशन अगर जो बबल है स्फेरिकल बबल है तो फिर आप ये नहीं कह पाएंगे। अगर सिलेंड्रिकल टाइप का बबल है, लंबा बबल मतलब समहाउ एस टाइप का कोई शेप है या प्लेनर बबल है, तब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, तब वैसा कुछ स्फेरिकल में क्या होता है, चारों तरफ से सेम एक तरीके से। अच्छा हाँ, उस केस में भी, हाँ उस केस में भी एग्जैक्टली ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे कहा है टेंशन, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, और कोई टेंशन है ही नहीं। वहाँ पे जो टेंशन फोर्स, टेंशन के कारण जो फोर्स होता है वो एक पूरे सर्कल में आ जाएगा, और फिर टेंशन का जो इन्वर्ट कंपोनेंट है, मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल दो फोर्स के कंपोनेंट करके आपने ऐड कर दिए, वहाँ पे शायद कुछ इंटीग्रेशन टाइप का लग सकता है हल्का फुल्का, ठीक है। उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे जैसे आपको दिख रहा है इस टेंशन का क्या साइन कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्या कहो टोटल इसका भी साइन कंपोनेंट आ रहा है, इसका भी साइन कंपोनेंट आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सारा पहले तो ऐड कर दो मैग्नीट्यूड, और फिर उसका साइन कंपोनेंट ले लो सेंटर की ओर सिंपली, ठीक है। वो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लग रहा था। ओके, इस प्रॉब्लम में कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछेंगे, कोई हिस्सा इसका समझ में ना आया हो। ये सिचुएशन आपको गिवन है, एक लिफ्ट है, उसमें एक ब्लॉक ऑफ मास है स्ट्रिंग से लटका हुआ है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, सब रुका हुआ है, सिर्फ एम जी होगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और हमने कह दिया कि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, अब टेंशन क्या होगा, एम जी प्लस ए होगा, कैसे पता, सुडो फोर्स पढ़ना बाकी है अभी, उसके पहले नहीं पता सुडो फोर्स तो सॉरी, हाँ वो तो सुडो फोर्स वाला कंसेप्ट हो गया, इसके फ्रेम में बैठेंगे हमको, अगर वो नहीं आता तो, मतलब आप में से सबको नहीं आता सुडो फोर्स कंसेप्ट, तो मेरे को सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस टेंशन, अच्छा चलिए फिलहाल इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो गोपाल क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है इस पे नीचे की ओर एम जी लगा देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम शायद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर टेंशन मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, ठीक है, मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, हमको पता है लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, ये दोनों फोर्सेस हो गए और ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। सो सुडो फोर्स के चक्कर में ये मत भूल जाओ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप क्या कहोगे, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, इससे आ जाएगा आपका टी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, ठीक, सिंपली इक्वेशन बनाओगे टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, ठीक। सो ये चीज़ हमको पता है, इसी से हमने सुडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से क्रिएट किया। तो अगर हम किसी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं मतलब जो बाहर का व्यक्ति देख रहा है उसको लगेगा कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, किससे, एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। जो अंदर बैठेगा उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि लिफ्ट रुकी हुई है मेरे साथ, मतलब जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम किस स्पीड से चल रहा है, हमको तो कांस्टेंट दिख रहा है। जो मून में बैठ के देखेगा उसको मूव करता हुआ दिखाई देगा, मार्स में बैठे हुए जो देखेगा उसको मूव करता दिखाएगा, कोई देखेगा नहीं पर फिर भी, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर उसको ये लिफ्ट रुका हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए ऐसा कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसको बोलोगे कि भाई तुम इक्वेशन ऑफ, ये सारा इक्वेशन लगाओ, तो वो क्या बोलेगा,
वो बोलेगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे की ओर एक फोर्स एम जी, ऊपर की ओर टेंशन, और फिर वो बोलेगा टी इक्वल्स टू एम जी, ऐसा लग रहा है अगर अभी तक मैं जो पढ़ा हूँ वो सही है तो, ठीक है। बट ये सारा कुछ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो रहा है, नॉन इनर्शियल, ठीक है, जो भी है नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। सो स्पेलिंग को छोड़ते हुए, सो अगर आपको पता है कि आपका ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में चल रहा है, तो आप सीधे सीधे ये सब सीधे सीधे नहीं लगा सकते, आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको पता है क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आंसर ये आना चाहिए जबकि ये आ रहा है, तो क्या चीज़ की कमी है। तो एक अगर इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की ओर एम ए के बराबर एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर होता, ज़बरदस्ती का जो हमने एडजस्टमेंट लगा दिया, तो फिर हमारा आंसर सही आ जाता, हम कहते टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, इस तरीके से हो गया, ठीक है। सो ये सूडो फोर्स जो है एसेंशियली एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, ठीक है। किसी फ्रेम में हमको समझ में नहीं आता, जो चीज़ न्यूटन्स लॉ से हम एक्सपेक्ट करते वो आंसर्स नहीं आ रहे, बट हमको ये पता होना चाहिए कि हम एक एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम में और उसका एक्सेलरेशन कितना है। अगर वो चीज़ नहीं पता इसको एक्सेलरेशन नहीं पता तो ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये लिफ्ट में वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है तो वेइंग मशीन क्या बताता है, 10 केजी बताता है। वेइंग मशीन पढ़ता है 98 न्यूटन और कहता है 10 केजी, ठीक है। वेइंग मशीन को नहीं पता कि उसका मास कितना है, वेइंग मशीन को उसका वेट पता है, ठीक है। सो अब अगर यही लिफ्ट ऊपर जा रही होती एट 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर वेइंग मशीन क्या वेट बताता इसका, चलो 9.8 कर देते हैं, सॉरी रुकी हुई थी तो 10 केजी ये बता रहा था, इसमें स्केल है, ठीक है। और 10 केजी कैसे पता उसको, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, उससे उसके स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ रहा है जिससे मीटर कुछ अपनी जगह से डाइवर्ट हो रहा होगा, वैसा कुछ सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। तो 10 केजी उसको नहीं पता, अब आप उसको हाथ से भी दबाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे वेइंग मशीन रखते हो, उसको अपने हाथ से दबाते हो, तो आपका जैसे वेट है 60 केजी, तो वो 60 केजी थोड़ी बताएगा, आप जितना ज़ोर से दबाओगे उतना बताएगा, ठीक है। सो एसेंशियली वो फोर्स सेंस करता है, तो उसको पता चला होगा कि 98 न्यूटन, तो वो रिपोर्ट कर रहा होगा 10 केजी, ऐसा कुछ उसमें फिनोमेना होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अब क्या कहा गया, अब ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की ओर 9.8 से, तो क्या दिखाई देगा, क्या रीडिंग देगा ये लिफ्ट, सॉरी वेइंग मशीन, कितना न्यूटन नहीं बता रहा, वो केजी बता रहा है, सिंपली 20 केजी, फोर्स डबल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेट वो रिपोर्ट कर रहा था वो डबल हो गया, ठीक है। सूडो फोर्स का ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो आप एक्सेलरेशन डबल हुआ, उसका मास डबल नहीं हुआ, वो मास बताता भी नहीं, वो मास नहीं बताता, उसको नहीं पता मास, ठीक है। उसको ये पता है कि कितना फोर्स उसको फील हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगी चीज़ें, चेंज करनी पड़ेंगी, आपके मशीनों पे आपका भरोसा उतना नहीं कर सकते आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ओके। सो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आपको पता है अल्फा अगर वेज है कोई जो कि ज़मीन पे रखा हुआ है, उस पर अगर आप ब्लॉक छोड़ देते हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है कितना, जी साइन अल्फा, ठीक है। अब हमने वेज को रख दिया लिफ्ट में और लिफ्ट जा रही है ऊपर की ओर ए से, अब क्या एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू समवन सिटिंग इनसाइड, जी प्लस ए साइन अल्फा, सीधे सीधे जी प्लस ए साइन अल्फा कह रहे हैं, ठीक है। उसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है,
तो आप कह रहे हैं कि सूडो फोर्स बस लगाना है हमको, जैसे ही हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में गए तो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर गए हमको सारा कुछ अब रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या फोर्स लग रहा था इस पर, अभी तक जब तक रुका हुआ था सारा कुछ तो इस पर नीचे की ओर एम जी लग रहा था, यहाँ से एक एन लग रहा था, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, वो बाद में पता लगती है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, नीचे की ओर एक एम ए फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे जी था वहाँ पे अब जी प्लस ए आ गया, तो जहाँ पे जी साइन अल्फा था वहाँ पे जी प्लस ई साइन अल्फा हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सूडो फोर्स एडजस्टमेंट्स है, कोई भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसमें आपको इस तरह के एडजस्टमेंट्स करते रहने पड़ेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स उसके कर लेते हैं। ओके ओके एक्सपेरिमेंटली मानते हुए कि हम लोग रुके हुए हैं रेस्ट फ्रेम में, मतलब ये अजम्पशन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ओके एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप डिटेक्ट कर सकते हो, वेलोसिटी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। ये बात हम लोगों ने की है क्या, नहीं किया, नहीं किया। अच्छा फर्स्ट ईयर में मैंने की थी, ओके ठीक है। सो वेलोसिटी ऐसी चीज़ है, जैसे रिलेटिविटी का थोड़ा बहुत बीच में बात किया था हम लोगों ने, तो अगर आप स्पेस में किसी वेलोसिटी से चल रहे हो और आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, कोई तारे वगैरह आपके रेफरेंस के लिए ना हो, रिलेटिव रेफरेंस के लिए सब जगह अंधेरा हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप रुके हुए हैं कि चल रहे हैं। कोई आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप ये डिफरेंशिएशन कर सके, ठीक है। बट अगर आप एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो आप चाय पीने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अगर आपकी जो स्पेसशिप है अच्छे खासे एक्सेलरेट हो रही है तो चाय मुंह पे नहीं सीधे चेहरे पे आएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप एक्चुअली एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्रेम में हैं। ये रियल मतलब आप ये एक्सेलरेशन का अपना एक रियल इंपॉर्टेंस है यूनिवर्स में, ठीक है। ओके सो अच्छा इसी प्रॉब्लम को पहले हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि इसका एक्सेलरेशन जो है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में जी प्लस ए साइन अल्फा, ठीक है, इसमें बैठे हुए। अगर हमको सूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं पता तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये पता है कि ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक है मास एम नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है इसमें, और हमको सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग सूडो फोर्स, यही रिजल्ट लेके आना है। अच्छा इसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का है इस डायरेक्शन में जी प्लस ए साइन अल्फा, तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, बताओ। ये ब्लॉक जो है जी प्लस ए साइन अल्फा की एक्सेलरेशन से ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो कि इस लिफ्ट के अंदर है, जो जमीन पर बैठा हुआ है उसको तो लिफ्ट भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही, उसको सेम एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा कि एक्सेलरेशन दिखाई देगा, ये पूछा गया है। तो आप कहोगे कि इसके दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं एक्सेलरेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जी प्लस ए साइन अल्फा ये रियल एक्सेलरेशन है, इसका दो कंपोनेंट होंगे किस डायरेक्शन में, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है, जी प्लस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा और जी प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, तो दो टुकड़े हमने कर लिए। तो एक एक्सेलरेशन इसका रियल नहीं अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन जी प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है जी प्लस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। किसके हिसाब से ये एक्सेलरेशन, जो अंदर बैठा हुआ है मूविंग एक्सेलरेटेड फ्रेम के हिसाब से, जमीन में जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से क्या एक्सेलरेशन होगा। अब तो आप कहोगे कि a माइनस दिस होल थिंग, ऐसा कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक अगर बाहर से देखना है तो उसे लगेगा एक एक्सप्रेशन जी साइन अल्फा और
वैसा नहीं कह पाएंगे, वो रिज़ल्ट आप बता रहे हैं, रिज़ल्ट एनालिसिस के बाद पता लगेगा, तो वो एनालिसिस अभी उरली आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल ये जो एक्सेलरेशन है दिखाई दे रहा है ज़मीन पर बैठे हुए आदमी को, ठीक है, तो सॉरी ये जो एक्सेलरेशन है इसको दिखाई दे रहा है, ये खुद जा रहा है ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है। तो अब जो दूसरा ऑब्जर्वर है जो इसके हिसाब से नीचे की ओर ऐसे जा रहा है, उसके हिसाब से इसमें एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा इसको यहाँ पे? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से बताना है? ठीक है, शुरू से बताना है ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ओके। हाँ, जी साइन अल्फा से इस डायरेक्शन में जाते दिखाई दे रहा है, उसके हमने दो कंपोनेंट्स बस कर लिया, वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ओके। वहाँ से ठीक से शुरू से शुरू कर देते हैं, ओके। कहाँ तक चीज़ समझ में आई? तो जी प्लस ए साइन अल्फा होगा, इसके बारे में आपको समझ में आया, अकॉर्डिंग टू सूडो फोर्स मेथड, ठीक है। सूडो फोर्स मेथड बोल रहा है कि अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके हिसाब से ये जो वेज है ये जाएगा इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली, ठीक है। उसके हिसाब से रुका हुआ है दुनिया, उसके हिसाब से बस वेज में एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि नीचे फिसल रहा है, ठीक है। और फिर सूडो फोर्स एनालिसिस से हमने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये जी प्लस ए साइन अल्फा होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात ज़मीन पे बैठे व्यक्ति को नहीं पता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या है कि सूडो फोर्स मेथड से कुछ एक्सेलरेशन इसका आया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, पर्सन ए कह देते हैं, और ये पर्सन भी कौन बनेगा, ये किसको बैठना है लिफ्ट के अंदर, ठीक है, हिमांशु। हाँ, हिमांशु तो लिफ्ट के अंदर सोया हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर में उठ के ऑब्जर्व करेगा, सोने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी शंकर, ठीक है, शंकर बाहर चेयर लगा के बैठा आराम से, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। सो ये सिचुएशन है, अब हिमांशु को क्या दिखाई देगा? हिमांशु ने कहा सूडो फोर्स मेथड से कि इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हिमांशु, ये बात हमको पहले से पता है ये एनालिसिस के बाद, इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू हिमांशु टोटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल, ये इस डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे। तो आप कहोगे इसका एक्सेलरेशन एसेंशियली इस डायरेक्शन में कितना है? तो इसका कॉस कॉम्पोनेंट यानी कि जी प्लस ए साइन कॉस, ठीक है, अल्फा, और नीचे की ओर इसका साइन कॉम्पोनेंट जी प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर हम सूडो फोर्स एनालिसिस को एक्सेप्ट करते हुए मान रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट अकॉर्डिंग टू हिमांशु होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू शंकर एक्सेलरेशन क्या दिखना चाहिए? अब शंकर बाहर बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। शंकर को क्या पता है कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर ए से जा रही है, एक्सेलरेशन ए से, तो उसको जैसे मान लेते हैं, चलो इसकी वैल्यू रही होगी 15 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू हिमांशु, ठीक है। तो शंकर को क्या दिखाई देगा? 15 से कम दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। मान लेते लिफ्ट की एक्सेलरेशन होती 5, तो शंकर को क्या दिखाई देता? 10 दिखाई देता। मतलब एसेंशियली क्या हो रहा है, ये ब्लॉक 15 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बट लिफ्ट भी 5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली बचा क्या? इसका एक्सेलरेशन माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन हु इज सिटिंग ऑन ग्राउंड ये एक्सेलरेशन हमको मिलना चाहिए। तो ये रिजल्ट अगर आएगा दूसरे तरीके से हम एनालिसिस करने पे, इसका मतलब ये रिजल्ट सही है, हमारा सूडो फोर्स मेथड सही है, ठीक है, ओके। दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से ग्राउंड फ्रेम में रहते हुए ही बिना किसी सूडो फोर्स एप्लीकेशन के हमको रिजल्ट लाना है, और हमको रिजल्ट पता लगेगा नीचे की ओर इतना एक्सेलरेशन, लेफ्ट साइड इतना एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस स्मॉल एम मास का बिना सूडो फोर्स के,
ठीक है। सो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है पूरे प्रोसेस में, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी है मास, ठीक है। अब ये असेंड हो रहा है, और आपको क्या पता है, आपको पता है कि इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर एम जी, ठीक है। इस प्रोसेस में इस एम का एक्सेलरेशन कितना है और किधर है, किधर है डायरेक्शन बताओ। मतलब अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है एट एंगल अल्फा, तो क्या ये सही होगा अकॉर्डिंग टू ग्राउंड फ्रेम? साथ साथ ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, तो ये अल्फा तो नहीं होगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा ज़रूर, बट ये अल्फा के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि हाँ समझा नहीं, फिर से बोलेंगे। हाँ मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, जा कहीं भी रहा हो, मैं एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा उसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंटली बात हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं कह दूँ कि ये है एक्सेलरेशन का रियल डायरेक्शन, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये गलत होगा ऐसा कहना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राउंड फ्रेम। जैसे वो कह रहा है, चलो अगला इंस्टेंट ड्रॉ कर देते हैं, अगर ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से मास थोड़े देर बाद यहाँ पे पहुँच जाता, तो आप कहते कि मास इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है जो कि इस ये अल्फा एंगल बना रहा है, बट हो क्या रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो अब क्या हुआ, अब वेज यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है, ब्लॉक जो है वो हो सकता है यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो ये जो डायरेक्शन है ये थोड़ा टेढ़ा सा बन जाएगा, ये एग्जैक्टली अल्फा एंगल नहीं रहेगा, ये कुछ बीटा वगैरह टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में चलो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमको पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये नहीं होगा, क्या डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली कोई कंफर्टेबल डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, तो हम क्या कहेंगे ऐसे ही सिचुएशन में, तो इधर ए एक्स ले लेते हैं, नीचे की ओर एक्सेलरेशन ए वाई ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ पता है हमको, हमको क्या पता है कि ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन क्या है, वेज का एक्सेलरेशन ए है और ऊपर की ओर है, ये चीज़ पता है, ठीक है। अब थोड़ा देर पहले परसों पढ़े, पहले पढ़े हैं वेज कंस्ट्रेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, ये दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट तो नहीं है, साथ साथ जा रहे हैं, तो एसेंशियली इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होना चाहिए दोनों का, ये समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इस वेज को भी साथ साथ खिसकना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में इसका जो एक्सेलरेशन है कुछ नीचे होगा ए वाई, इसका एक्सेलरेशन ए एक्स, अगर ऐसा कुछ है तो हम कहेंगे कि ये दोनों का कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं इस सरफेस के लॉन्ग, और ए वाई कॉस अल्फा ए एक्स साइन अल्फा इक्वल होगा, इस टाइप का हम लोगों ने कुछ बात की थी, वैसे ही बात यहाँ पे करते हैं, इस मास का एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में। तो आप कहोगे एंगल्स किधर है, एंगल्स खो गए हमारे सारे, ठीक है, अल्फ़ा एंगल ये था, अल्फ़ा एंगल ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये अल्फ़ा है, ओके ये अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फा होगा, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, समझाऊं? चलो समझा, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना दी, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, तो ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है, ये कितना है, ये तो 90 है, ठीक है, इसकी बात नहीं करनी, हमको इस लाइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल जो है हमारा चल रहा है 90 माइनस अल्फा, ठीक है, पैरेलल बना लिया, इसके पैरेलल हमने लाइन बना ली, और इस एंगल को आपने बताया था, इस एंगल को
अच्छा चलो इसी को अल्फ़ा ड्रॉ कर देते हैं, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, फिर ये और ये 90 डिग्री पे, तो अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, अब सारा हिसाब लगा सकते हैं। वैसे ई एक्स का भी मिल गया हमको, ई एक्स का तो ये है ही है। अच्छा हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में ना, ये एंगल तो अल्फ़ा है ही है, एंगल्स आप लोग देख लो ठीक है वो समझने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बट चलो बाकी हिसाब लगाते हैं एक्सेलरेशन का। तो ए वाई कॉस अल्फ़ा, तो इस डायरेक्शन में ए वाई नीचे है, ए वाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया, माइनस ए एक्स साइन अल्फ़ा, तो इस डायरेक्शन को हमने ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ले लिया है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, ठीक है, ए कॉस अल्फ़ा, तो ए कॉस अल्फ़ा इस डायरेक्शन में माइनस में, माइनस ए कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो, कुछ सही किया गड़बड़ किया मैंने, अच्छा नहीं ये दोनों इक्वल होगा, सॉरी ये जो एक्सेलरेशन है ए वाई कॉस अल्फ़ा माइनस ए एक्स साइन अल्फ़ा, ये इसका नेट एक्सेलरेशन हुआ इस डायरेक्शन में, और यही एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, जो कि है माइनस ए साइन अल्फ़ा। एंगल आप लोग देख लो, ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, ये चीज़ ग्रास्प होना चाहिए। कॉस साइन आप देख लो ठीक है, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये एंगल अल्फ़ा था तो ये एंगल अल्फ़ा होगा, ए कॉस अल्फ़ा कॉस, अच्छा मैंने साइन लिख दिया, ओके ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। सो ये एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन से फिर आगे बढ़ सकते हैं, फिर आपको खाली फोर्स इक्वेशंस बनाने हैं, किस डायरेक्शन में बनाएंगे वो आपकी चॉइस है, मोस्टली इसकी बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये कंफर्टेबल डायरेक्शन होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में आप कहेंगे इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एम जी माइनस एन कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू एम ए एक्स, ठीक है, नीचे की ओर, और फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एम ए वाई, और कोई इक्वेशन इससे नहीं बनेगा। कितने अननोन है इस सिस्टम में, एन अननोन है, ए एक्स अननोन है, ए वाई अननोन है, कितने को इक्वेशन है हमारे पास, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने का काम मैं नहीं कर रहा, आप करना चाहते तो कर सकते हैं, आंसर वही आएगा आपके पास अल्टीमेटली। तो आप अल्टीमेटली आंसर देखेंगे, आपका ए वाई की वैल्यू इसके बराबर आएगी, ए एक्स की वैल्यू इसके बराबर आएगी, ठीक है, सॉल्व करना चाहेंगे कर लेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सूडो फोर्स के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, सूडो फोर्स बस एक इजियर मेथड है, उसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सूडो फोर्स वाला वो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। सोने का शौक किसको है, सोने का किसी को नहीं, अच्छा प्रतिवेद को, हिमांशु, अच्छा हिमांशु को तो है ही है, ठीक है अच्छा ठीक है। सो हॉरर मूवीज देखते हो, तो तुम डरते हो कि भूत डरते हैं, मतलब तुमको डर लगता है कि मतलब डरने के लिए देखते हो कि किस लिए देखते हो हॉरर मूवी, अच्छा कॉमेडी लगता है तो छोड़ो, तुमको मूवी पे डिपेंड करता है, मतलब डर सकते हो, ठीक है ठीक है। तो क्या होता है कि एक पेंडुलम लटका हुआ था ट्रक के अंदर, आप गए हॉरर मूवीज़ देख के आए हो, आके सो गए, ठीक है सो गए, ट्रक चलती है आगे की ओर, एक्सेलरेट होती है,
तो क्या होगा, पेंडुलम पीछे क्यों चला जाएगा, फिर तुम उठ के देखते हो तो क्या दिखाई देगा तुमको, और अभी भी डरावने सपने देखकर उठे हो तुम तो हार्ट अटैक वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुमको? हाँ ठीक है, तो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट में तुमको यूज़ किया जा सकता है। तो ये अगर इस बॉब का मास एम है और आगे की ओर ट्रक अचानक से एक्सेलरेटेड होता है ए से, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये लटक जाएगा, कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा, ये एंगल कितना होगा पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे? तो दोनों मेथड है, सुडो फोर्स मेथड एक और एक रेगुलर मेथड है। तो रेगुलर मेथड से मैं कर रहा हूँ, सुडो फोर्स मेथड से आप करेंगे। सुडो फोर्स में कैसे लगाना है, किस डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ पे लगेगा सुडो फोर्स? पीछे की ओर लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है। कितना सुडो फोर्स लगेगा? एम ए, ठीक है ओके। सो यहाँ पे दो पेंडुलम्स लटके हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है, या ये भी पीछे हो गया, अब तो ज़्यादा डर जाएगा प्रतिवेद, ठीक है। कैपिटल एम स्मॉल एम, अब कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों में कितना फोर्स लगेगा, सेम लगेगा अलग अलग लगेगा? अलग अलग लगेगा, ठीक है। जो भी एक्सेलरेशन था दैट इनटू ये वाला मास, इतना सुडो फोर्स पीछे की ओर लग जाता है, ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मत सोचो, या सोच सकते हो वो अपने से सोचना, मैं फिलहाल इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो रेगुलर मेथड से मेरे को क्या पता है, ये बॉब लटका हुआ है किसी एंगल अल्फा पे, ठीक है, और इस पे टेंशन वगैरह तो है ही है। मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है नीचे की ओर इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा है फोर्स टेंशन के बराबर, और ये बात भी मेरे को पता है कि ये जो बॉब है ये आगे की ओर एक्सेलरेटेड है ए से। आप क्या करने वाले हैं, आप सुडो फोर्स मेथड से पीछे की ओर एक फोर्स लगा देते हैं ma के बराबर, वही चीज़ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, तो t ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो t साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एम ए, और t कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू एम जी, इससे आपको टेन अल्फ़ा मिल जाएगा ए बाई जी, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, जी तो पता ही है, आप बता सकते हो ये एंगल कितना सब्सटेंड होगा, ठीक। तो सुडो फोर्स मेथड यही है, आप कभी भी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाते हो तो जितने भी अलग अलग मासेस हैं उन पे एक एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हो, जो मास उसके अकॉर्डिंग फोर्स, ठीक। ठीक है, सो क्लास कंटिन्यू करेंगे, कब है नेक्स्ट? कल है, अच्छा कल तो छुट्टी है, अरे क्या नहीं, असाइनमेंट नहीं, मेरे को काम नहीं आगे बढ़ रहा है, अपना काम रुका हुआ है, ठीक है, अपना नहीं मतलब आपके हाई सीनियर्स का, आप लोगों का तो काम सही चल रहा है। तो नेक्स्ट कब है फिर क्लास हम लोग की? दो दिन बाद यार, असाइनमेंट तो ले लो एक आध, उस दिन ट्यूटोरियल नाम भर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पिछले बार दिया था, इस बार 2+1 वो भी 2 टुकड़ों में दिया था, मैं भी दे सकता हूँ। है कब अपना नेक्स्ट क्लास? सैटरडे को एक वेकेंट है ना, सैटरडे को है कि नहीं, ये छुट्टी कब कब है, कल छुट्टी है, परसों क्या है, प्लांटेशन है, वो छुट्टी है, मतलब वो इधर छुट्टी है कि क्या है सिस्टम, नहीं तुम ज़बरदस्ती करवा रहे हो वो अलग चीज़ है, बट चलो वो देख लेंगे हम लोग। खाने पीने आओगे?